मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो हो चुकी है मॉर्निंग थेक्कडी में, देख सकते हो मेरे चारों तरफ रिजॉर्ट अपना थेक्कडी इन बिटवीन द फॉरेस्ट। आज जा रहे हैं हम लोग बोटिंग के लिए। तो थेक्कडी में जो फॉरेस्ट है हमारा, जो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट के जस्ट सामने थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ता है। वहाँ से गवर्नमेंट की एक फेरी होती है, मतलब एक बोट होती है, वो पूरे जंगल का राउंड मारती है और उसमें अराउंड 200-250 पर्सन आते हैं एक बार में। काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं उसके अंदर। तो दिखाते हैं आपको कैसी होती है कैसी नहीं होती है, उस पर जाएंगे। तो चलते हैं आगे, करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट वाली आके करेंगे। अभी 7:30 का टाइम होता है उसका, मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का 7:30 का टाइम होता है। 4-5 टाइमिंग होते हैं उसके आने के। उसकी जो राइड होती है टोटल होती है 1.5 घंटे की अराउंड। और सबसे अर्ली मॉर्निंग की जो राइड है उसकी स्टार्ट होती है वो 7:30 बजे स्टार्ट होती है, और 9 बजे वो वापस लेके वहीं पर ड्रॉप कर देती है। तो उसके बाद अभी इसलिए हमने सबसे पहले 7:30 का टाइम चूज़ किया है, क्योंकि हम 9 बजे तक आ जाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हमें आज जाना है वेगामन। तो अभी कुछ शॉपिंग भी करनी है, मार्केट भी जाना है थेक्कडी में। तो पहले जाएंगे अभी बोटिंग करने, उसके बाद आके करेंगे ब्रेकफास्ट। तो चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको बोटिंग। तो गाइस अभी बोटिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग। दिखा से देख सकते हो आप लोग नज़ारा, और ये सब लोग देख सकते हो, ये सब लोग आ रहे हैं अपने पार्टनर लोग। सुबह 7 बजे भी ये कोई वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ पर कुछ अवेलेबल कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट दिस फॉरेस्ट। एंड यहाँ पर आप वेट भी कर सकते हो बोट के आने का। देन चलते हैं आप अपनी बोट की तरफ। अभी यहाँ पर सब लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। ये देख सकते हो ये बोट्स है जिसमें हमें जाना है KTDC अमेज़न के जंगलों में। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। थेक्कडी का फॉरेस्ट है ये। बाकी वेदर देख सकते हो आप, काफ़ी डिस्टेंट वेदर है इस टाइम भी। सो दिस इज़ द बोट जिसमें हम जाएंगे। सो गाइस अभी हम बोट में चढ़ रहे हैं। एंड दिस इज द बोट। हमारे जो सीट है आई थिंक ऊपर है शायद, तो ये भी एक अच्छी बात है। काफ़ी मैं सोच रहा था यार नीचे मिलेगी तो मज़ा नहीं आएगा, ऊपर आना चाहिए। तो गाइस फाइनली हम बोट में आ चुके हैं अपने। अपनी बोट स्टार्ट हो चुकी है अभी। बैक अभी सीट जो है बैक जा रहा है, अभी स्टार्ट होने के बाद बैक जा रहा है अभी, देख सकते हो। ये काफ़ी स्लो चलती है बोट, इसलिए 1.5 घंटे का लगता है इसको बोट को राइड करने में। देख सकते हो स्पीड इसकी, पता नहीं ये चलती इतनी स्लो है या ये जान। आई थिंक इनका भी कोई मतलब वाइल्ड लाइफ जंगल सफारी है ये, तो बोट राइड है सॉरी। तो इससे मतलब अगर ज़्यादा तेज़ चलाएंगे ये लोग तो इंजन आवाज़ करता, वॉइस करता है, तो एनिमल्स जो है डिस्टर्ब हो सकते हैं, इस वजह से आई थिंक स्लो ही चलती है बस।
अभी हमें स्टे का मतलब प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए यहाँ पर परमिशन मिला है बहुत मुश्किल से। यहाँ पर अलाउड नहीं है किसी भी बाहर के पर्सन को यहाँ पर विजिट करना बिल्कुल भी इस प्रॉपर्टी में। ये 5-स्टार लग्जरियस प्रॉपर्टी है जो कि एकदम लेक के बीचों बीच बनी हुई है, और मतलब ऐसा है इसका व्यू के देखने वाले ऐसा हो सकता है कि दिखेगी भी नहीं आपको ये, बट इसको इसका रास्ता अलग पड़ता है थोड़ा, क्योंकि जो नॉर्मल बोट राइड होती है इसकी यहाँ की इस रिवर की, तो वहाँ पर उसमें क्या होता है उसमें लोगों मतलब बिल्कुल भी इस रास्ते से लेकर नहीं आते हैं वो लोग, पर हमने स्पेशल परमिशन लिया है इसके विजिट प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए ताकि इधर से लेकर आए हमारे को। बाकी दिखाते हैं आपको आगे से कैसा है कैसा नहीं है एग्जैक्टली प्रॉपर्टी, बाकी व्यू आप इधर देख सकते हो। हमारे ड्राइवर साहब यहाँ पर जो बोट चला रहे हैं, जो लेक पैलेस प्रॉपर्टी है इन द लेक, इसको विजिट करने जा रहे हैं। नॉट अलाउड टू लेक साइड आफ्टर 6:30 PM, स्विमिंग नॉट अलाउड, फिशिंग नॉट अलाउड। ओल्ड वाटर फिल्टर इंपोर्टेड फ्रॉम लंदन, भाई जो देख सकते हो ओल्ड वाटर को फिल्टर करने के लिए लंदन से इंपोर्ट किया हुआ, जस्ट लाइक अ फिल्टर। गाइस इस रिजॉर्ट को बने हुए एग्जैक्टली 100 ईयर्स होने वाला है ऑलमोस्ट, मतलब 100 साल पहले ये रिजॉर्ट बना था। ये देख सकते हो इस टाइप से पहले ही दिखता था, अभी व्यू थोड़ा चेंज हो गया है, तो दिखाते हैं आपको अंदर से। बाकी पुराने ज़माने की काफ़ी सारी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। ये रेडियो है यूज्ड बाय हाईनेस महाराजा श्री चरतना, देख सकते हो रूम्स, दिस इज द टाइप ऑफ हैंगर राइट, ऑल टाइप। एंड देयर इज अ वॉशरूम, वॉशरूम इज मॉडर्न, and this is the room. See this old type bed. And here is the mirror. It's just like ऐसा लगा रहा है जैसे क्या बोलते हैं इसको piano, piano table. ये हाथी का दांत है, original नहीं है। लेक पैलेस गजब की प्रॉपर्टी है यार, सीरियसली सच में 100 साल प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी है 100 साल पर। तो गाइस देख सकते हो हियर इज द लेक पैलेस एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम दिस लेक पैलेस, दिस इज द लेक व्यू, सी दिस। प्रॉपर्टी विजिट करके अभी हम आ चुके हैं वापस अपनी बोट में और जा रहे हैं अपने होटल अरण्या निवास, एंड लुक एट द व्यू। सो गाइस ये कुछ पीछे का नज़ारा अपने बोट से, अभी हम सिर्फ जा रहे हैं होटल की तरफ अपने, 9 बजने वाला है ऑलमोस्ट, 9:10 बाकी है जाके अभी रिजॉर्ट में जाकर, अभी रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट करना है पहले, देन हम जाएंगे आज वेगामन। वेगामन भी एक हिल स्टेशन ही है, तो वहाँ के कुछ साइट सीइंग वगैरह है, बीच में कुछ साइट सीइंग है, बीच में कुछ प्रॉपर्टी विजिट भी करना है, देन इवनिंग तक हम लोग चेक इन करेंगे अपने प्रॉपर्टी में वेगामन के रिजॉर्ट में।
तो चलते हैं आगे। कुछ आप देख सकते हो पीछे का कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है अभी पूरा। तो गाइज अभी आ चुके हैं रिजॉर्ट वापस, पर जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, पेट भरने, पेट पूजा, भोजन करने जा रहे हैं। दिखाते हैं क्या है आज। कोकोटर सांभर, इधर है सोया कड़ी भाजी, कलप्पम, एक कुलचा टाइप लग रहा है, और देर इज पूरी पूरी अवेलेबल है भाई। डोसा, ये क्या कैरेट पराठा, कैरेट पराठा सर, कैरेट पराठा, गाजर का पराठा है भाई। टोस्ट, टोस्ट तो है ही नहीं। बनाना बटर जैम, कोल्ड मिल्क, हॉट मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स, और देर इज सम जूस ऑल्सो अवेलेबल, वाटरमेलन जूस, पाइन एप्पल जूस, ये अच्छा है, एंड देयर इज टी, दैट्स ऑल। ये सब लोग कर लग गए अपनी लाइनों में पेट पूजा करने के लिए, सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं। हम भी कर लेते हैं भाई फिर। सो गाइस अभी निकल चुके हैं होटल से चेकआउट करके वैगमन के लिए। सो गाइस अभी हम निकले थे रिजॉर्ट से वैगमन के लिए, और बीच में प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए जा रहे हैं। ये देख सकते हो यार, अलग ही डिफरेंट ही लोकेशन लग रही है। तो जैसे जैसे ग्रीस में नहीं होते, ग्रीस एकदम ग्रीस लग रहा है एकदम यार। देयर इज द स्विमिंग पूल अवेलेबल, वन इज शॉर्ट, वन इज एंड वन इज अ बिग। दिस वे सर, रेस्टोरेंट। ओके, अभी हम रेस्टोरेंट देखने जा रहे हैं इस प्रॉपर्टी का। ये देख सकते हो पूरा गिरीस वाली फीलिंग आ रही है, जो एकदम वो जो डेस्टिनेशन है जस्ट लाइक ऐसा लग रहा है, बिल्कुल सेम टू डिट टू प्रॉपर्टी ऐसी बनाई है ये। क्या लोकेशन है यार, लवली लोकेशन, लवली, सीरियसली गाइस, लवली लोकेशन। Here is the balcony of this restaurant and here is the view. Thank you.
गाइस अभी हम रुके हुए हैं, वेगमन जा रहे थे तो यहाँ पर मुझे एक शॉप दिखा, तो मुझे यहाँ पर कुछ लेना था कुछ, तो वो मैं शॉपिंग के लिए आ गया। तो आप अगर कभी आप वेगमन जाओ थिकड़ी से तो आप यहाँ पर रुक सकते हो, ये शॉप देख सकते हो। यहाँ पर एक आंटी जी हैं, शी इज़ वेरी स्वीट। तो आपको मोस्ट से एक्सपेंसिव जो भी आपको कुछ लेना हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगी आंटी जी। तो गाइस एक छोटा सा ब्रेक था यहाँ पर, थोड़ा शॉपिंग के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह लेने थे, किसी को सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेनी थी तो वो ले लिया है। बस हमारी आगे चली गई है क्योंकि यहाँ पर स्टॉपेज का कोई ऑप्शन नहीं था, तो काफ़ी दूर आगे जाके पार्क हुई है। अभी हम वॉक करते हुए जा रहे हैं, बाकी वेदर आप देख सकते हो और राइट साइड में आप देख सकते हो ये कॉलेज है यहाँ का, काफ़ी बड़ा कॉलेज। अभी वेगमन अपने रिजॉर्ट पहुंचने से पहले यहाँ पर आए प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए, और यहाँ पर अपना लंच है तो चल रहे हैं अभी ऊपर। तो कंते लंच आई थिंक हमारे वेलकम के लिए, कुछ ट्रेडिशनल वेलकम करने के लिए खड़े हैं कुछ लोग यहाँ पर। तो गाइस ऐसा है कुछ इनका ट्रेडिशनल वेलकम यहाँ पर जो भी इन्होंने करा है अभी हमारा, अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं रिजॉर्ट में। तो गाइज अभी हम ट्रेडिशनल वेलकम होने के बाद अभी हम लंच के लिए यहाँ पर आए हैं। सो आप लंच देख सकते हो यहाँ पर, एग्जैक्टली ट्रेडिशनल लंच ऑफ द केरला। सो गाइस अमेजिंग फूड, अमेजिंग लंच करने के बाद एकदम ट्रेडिशनल वाला लंच किया है हमने आज, पहली बार ऐसा मैंने लंच किया है लाइफ में। बड़े पत्ते में, जैसा कि हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि केरला में साउथ में एक बड़े से पत्ते में एक ट्रेडिशनल लंच होता है यहाँ पर, अब डिनर होता है, खाना होता है, तो वही सेम हमने खाया है आज हाथ से। वो भी वैसे तो हम वैसे भी यूजली हाथ से ही खाते हैं घर में भी अपने। अभी हम पहुंच चुके हैं वेगमन, यहाँ पर बस ने ड्रॉप कर दिया हमारे को और अभी हम जा रहे हैं अपने रिजॉर्ट के लिए। ये देख सकते हो यहाँ से बस अलाउड नहीं होता जाने का क्योंकि स्टीप चढ़ाई होता है बहुत ज्यादा। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से टैक्सी, ये जिप्सी लेने आता है इस टाइप का, हम जिप्सी में बैठ चुके हैं। हमारे ड्राइवर अंकल और हैवी ड्राइवर है वो देख सकते हो, देख सकते हो मौसम कितना जबरदस्त हो रहा है यहाँ पर, जबरदस्त मौसम हो रहा है एकदम। और देख सकते हो पीछे सवारी यहाँ पर एकदम। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट, चलते हैं आपको अंदर दिखाते हैं अपना होटल है दिस वन लेटली हिल रिजॉर्ट। सो दिस इज आवर प्रॉपर्टी फॉर टुनाइट, पैलेट हिल व्यू। हेलो सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू पायलट। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच।
तो गाइस अभी होटल में चेक इन कर चुके हैं ऑलरेडी, और मैं कुछ अपना लगेज नीचे भूल गया था बस में, तो मैं नीचे जा रहा हूँ अभी। मतलब ये रिजॉर्ट वालों की स्कूटी है, वैसे तो इनके पास जिप्सी भी अवेलेबल है, बट जिप्सी एक पर्सन के लिए मैंने मना कर दिया, मैंने कहा चलो मैं स्कूटी से चले आऊँगा। तो स्कूटी से अभी नीचे जा रहा हूँ मैं अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए बस, बाकी आपको फिर जाकर रूम दिखाता हूँ आपको रिजॉर्ट का। सो गाइस हियर इज आवर रूम 101, 102 एंड सम रूम्स अपर साइड। हेयर इट इज, ये रूम्स है अपना। सीधा गाइस देख सकते हो ये हमारा रिजॉर्ट है जहाँ पर स्टे किया हुआ हमने आज वेगामन में, और बारिश हो रही है मूसलाधार एकदम, और अभी अपने सारे पार्टनर लोग जो हैं पूल में एंजॉय कर रहे हैं, और मैं भी अभी पूल में जाने वाला हूँ, नीचे से भी पानी ऊपर से भी पानी, फुल एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे शफीक भाई सोच रहे हैं, अभी सोच विचार कर रहे हैं कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, ठंड लग जाएगा। अभी हम आ चुके हैं डिनर के लिए, दिखाता हूँ क्या है डिनर में। ऑस्टर फिश एंड देयर इज चिकन मुगलाई मसाला। यार ये अच्छा लग रहा है देखने में, टेस्टी लग रहा है भाई, भाई चेक करके बताओ उसको। कढ़ाई वेज एंड दिस इज मलाई कोफ्ता। परा पंचरांदा दाल, मलाई कोफ्ता दाल है। गोभी मंचूरियन चिकन ड्राई एंड देर इज प्लेन राइस। दिस इज कश्मीरी पुलाव। देर इज सम तवा पराठा एंड देन सम प्लेन रोटी एंड दिस पापड़, सम सलाद एंड देर इज सम स्पेशल सूप अवेलेबल, टमाटो नेचुरल सूप। सी फूड कॉर्नर। गाइस यहाँ पर कुछ डिजर्ट भी अवेलेबल है, दिखाता हूँ आपको। ये है फ्रूट कस्टर्ड सिजिस एंड हेयर इज राइस खीर। ये लग रही है मस्त, इसको खाते हैं। सो गाइस अभी डिनर हो चुका है अपना, अभी जा रहे हैं अपने रूम की तरफ, और बाहर का भी देख सकते हो आप, काफ़ी ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है इस टाइम। अभी बारिश हो रही थी जैसे अभी बंद हो गई है, बाकी फॉग ही फॉग है इस टाइम। चलते हैं अपने रूम की तरफ और करते हैं सोने की तैयारी। बाकी जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना, और लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा केरला के ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।